बेटा आज को हम क्वेश्चन करते हैं, आर देयर एनी पीपल इन योर विलेज और सिटी, यानी आपके गांव या शहर में हु लिव इन शेल्टर्स, लाइक जैसे कि शेल्टर्स फॉर्म्स होती हैं, टेंट्स वगैरह में रहते हैं, सेट्स वगैरह में, और मेक देयर व्हीकल्स और कार्ड्स और एज देयर होम्स के रूप में कार्ड्स वगैरह जो गाड़ी वगैरह होती हैं। यस देयर आर मैनी हु लिव्स इन शेल्टर्स, यानी बहुत सारे लोग हैं, कौन है जो हमारे शेल्टर्स में रहते हैं, जैसे कि लाइक टेंट्स में, सेट्स में, और मेक देयर व्हीकल्स और कार्ड्स आर देयर होम्स। इसका आंसर फॉर्म्स क्या है? यस, यानी कि हमारे पास पड़ोस में ऐसे काफ़ी हैं गाँवों में और शहर में। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मैनी सच पीपल आर देयर, लेस नंबर ऑफ सच पीपल आर देयर, यानी कम नंबर से फॉर्म्स में है। नंबर थर्ड, वाट टाइप ऑफ वर्क डू दे डू, यानी कि क्या वर्क करते हो, दे मेक यूटेंसिल्स एंड टूल्स ऑफ आयरन वर्क। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, यानी कहाँ पर आपके बच्चे स्टडी करते हैं, दे स्टडी इन मोबाइल स्कूल बसेस। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, जो आज का इन क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वाट आर द रीज़न फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस फैमिली, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन्स हैं, यानी ऑफ पीपल्स हैं वो पीपल डिस्प्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर लाइक जैसे कि जो नेचुरल प्राकृतिक आपदा जो होती हैं, फ्लूड, ड्रॉट, वर्क ऑफ डेवलपमेंट लाइक कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ डैम्स, जब डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है, मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी पीपल को क्या कर देते हैं, एरिया को खाली करने को कह देते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट करते हैं उनका, इलिट्री असाक्षरता, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, आर द मेन कॉजेज फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ये मेन कॉजेज है डिस्प्लेसमेंट फॉर्म का ऑफ दीज पीपल, द ग्रुप ऑफ ब्लैक स्मिथ आर यूज टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर प्लेसेस, इन प्लेसेस पर वो क्या करते हैं, इन सबको अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट करते रहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का मीन्स भी क्या है कि उन्हें रीज़न बताना है कि वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह चेंज क्यों करते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका एक प्रॉपर सेटलमेंट होता है उसी समय पर वो वहीं पर वर्क करते रहते हैं, और जहाँ उन्हें लगता है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर उनका क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर उनका जो हाउस सेटलमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो जो भी उनके सामने प्रॉब्लम फेस करने का समय आता है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का उनके पास एक कि जो उसमें यह पूछा था कि व्हाट आर द रीज़न, क्या रीज़न है फॉर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होने का, तो डिस्प्लेसमेंट होने के मेन रीजन्स क्या हैं, कि जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, भूकंप वगैरह आ जाना, तो क्या होता है उनके जो हाउसेज होते हैं वो एक टेम्परेरी फॉर्म्स हाउस होते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, उन्हें चेंजेस करना पड़ता है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट की होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पीपल्स को जो भी कॉजेस का सामना करना पड़ता है परेशानियों का, जैसे विलेजेस के अंदर असाक्षरता है तो साक्षर व्यक्ति नहीं है तो उनको वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इन सारी प्रॉब्लमों को फेस करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने आप को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन फाइव पढ़े, पहले क्वेश्चन के अंदर था विलेज और सिटी के अंदर शेल्टर फॉर्म्स होते हैं, तो उसका आंसर हमें बताना था कि जैसे शेल्टर में, टेंट्स वगैरह में, सेट्स वगैरह में, या व्हीकल और कार्ट्स में कोई लोग अपने घर में रहते हैं तो उसका आंसर यस। सेकंड था हाउ मेनी सच पीपल, कितने हैं, लेस नंबर ऑफ सच पीपल्स हैं, एंड क्या वर्क करते हैं, यूटेंसिल्स एंड आयरन वर्क करते हैं, टूल्स ऑफ आयरन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, स्टूडेंट्स जो मैंने कहा था ना स्टडी का फॉर्म होता है मोबाइल स्टडी, स्कूल स्टडीज फॉर्म जो होती हैं, अगर इनको वो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं तो वो भी इस चीज़ के लिए जहां उनको बेटर ऑप्शन मिलता है वहां वो डिस्प्लेस करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन था कि रीज़न क्या है डिस्प्लेसमेंट करने का, तो मेन रीजन्स वही फोर फाइव रीजन्स हैं, सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उनका रेजिडेंस, और क्या बोलते हैं उनका प्रॉपरली तरीके से जो उनको रहने का जो तरीका है उसमें अपने बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारे पांच क्वेश्चंस होते हैं, अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आपको कल कराऊंगा। इन फाइव क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।